अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है इन्फिनिक्स नोट 11 का कैमरा रिव्यू। दोस्तों, इन्फिनिक्स नोट 11 रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया, काफ़ी तगड़ी प्राइस रेंज में और काफ़ी तगड़ी स्पेक्स के साथ। अब इस फ़ोन को मैंने हर एंगल से चेक कर लिया, गेमिंग परफॉर्मेंस चेक की, मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी, डिज़ाइन चेक किया, मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा। अब रह गया था भाई इसका कैमरा, तो आज की इस वीडियो में हम इसका कैमरा टेस्ट आउट करेंगे। अब बताता चलूँ कि यहाँ पे बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा की सपोर्ट देखने को मिलेगी, जहाँ पे मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल्स का लगाया गया और इसमें 1.6 का अपर्चर रखा गया। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम इसका डे लाइट वीडियो टेस्ट करेंगे, फोटोज टेस्ट करेंगे, रात के वक्त इसकी वीडियोस का रिजल्ट शेयर करूंगा आपके साथ, फोटोज का रिजल्ट शेयर करूंगा और देखेंगे कि अगर हमें इन्फिनिक्स नोट 11 कैमरा के लिए लेना है तो हमें इस फोन को लेना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब आप ज्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं इन्फिनिक्स नोट 11 के कैमरा रिव्यू की तरफ। ओके जी, तो ये हम शूट कर रहे हैं इन्फिनिक्स नोट 11 के फ्रंट कैमरा से 1080p 30fps पे, और यहाँ पे डिस्प्ले में तो मुझे इसके कलर्स काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं, लेकिन भाई एक्चुअल इसका रिजल्ट पता चलेगा सिस्टम में डाल के। अब यहाँ पे अगर डायनेमिक रेंज की भी बात करूँ तो डायनेमिक रेंज को भी चेकआउट करते हुए कलर्स की एक्यूरेसी अच्छी है। ग्रास का कलर आप चेक कर सकते हैं, बैक पे ट्रीज का कलर चेक कर सकते हैं, सूरज इस वक्त हमारे बैक साइड पे है। ओवरऑल मुझे यहाँ पे रिजल्ट अच्छा लग रहा है, बाकी भाई इसको सिस्टम में डाल के देखेंगे। फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल्स का है। दोस्तों, अब यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं 2K में, 2K 30fps ये मैक्सिमम सपोर्ट करता है इन्फिनिक्स नोट 11। यहाँ पे 4K की सपोर्ट मौजूद नहीं है, लेकिन 2K में यहाँ पे कलर एक्यूरेसी मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, डिटेल्स काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मेंशन कर रहा है। ओवरऑल मुझे डिस्प्ले में जो इन्फिनिक्स नोट 11 के डिस्प्ले में इसका रिजल्ट आ रहा है वो तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। एक्चुअल रिजल्ट सिस्टम में डालने के बाद पता चलेगा। आप मुझे बताएं कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लग रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करता जाऊँ कि ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है ये इसके इंटरनल माइक से हो रही है, किसी किस्म का एक्सटर्नल माइक यहाँ पे साथ में हमने अटैच नहीं किया हुआ। ओके जी, यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 11 के फ्रंट कैमरा में हमने बुके मोड को एनेबल कर लिया। अब यहाँ पे बताता चलूँ, जैसे ही आप बुके मोड को एनेबल करेंगे आपकी वीडियो रेजोल्यूशन 720p पे चल जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम आप 720p पे शूट कर सकते हैं। बुके का रिजल्ट मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे एजिस डिटेक्शन में थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन भाई 16 मेगापिक्सल का कैमरा है तो इतना चलता है। बाकी इसका एग्जैक्ट रिजल्ट हमें पता चलेगा सिस्टम में डाल के। तो दोस्तों, यहाँ पे अब मैंने ऑन कर लिया इसका अल्ट्रा स्टडी मोड फ्रंट कैमरा में, और फ्रंट कैमरा में जब आप अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन करेंगे तो बुके मोड डिसेबल हो जाएगा, एक वक्त में दोनों मोड्स ऑन नहीं हो सकते। और यहाँ पे भी 720p मैक्सिमम सपोर्ट है वीडियो शूटिंग की, तो थोड़ा सा चल के देख लेते हैं और देखते हैं वीडियो को स्टेबल रखता है या नहीं रखता। और यहाँ पे इस वक्त मैं चल रहा हूँ और रिजल्ट सिस्टम में डालने के बाद पता चलेगा कि शेकी आया है या नहीं आया, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले में मुझे लग रहा है कि रिजल्ट इसका ठीक ठाक आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कर लिया इन्फिनिक्स नोट 11 के फ्रंट कैमरा में वीडियो ब्यूटी मोड ऑन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके फेस पे कील छाइयाँ हैं, आप थोड़े से काले दिखते हैं, तो आप ब्यूटी मोड को ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे फेयर एंड लवली लगाए बगैर आप प्यारे आ सकते हैं। यहाँ पे ब्यूटी मोड मैंने ऑन कर लिया। अब मेरे फेस पे थोड़ी सी एक्नी है, थोड़े से पिंपल्स हैं, तो काफ़ी हद तक ये हाइड कर रहा है। और यहाँ पे जो मुझे इन्फिनिक्स नोट 11 के फ्रंट कैमरा में सबसे अच्छा चीज़ लगती है वो ये है कि ये आई फोकस भी करता है। तो दोस्तों, जब हम शूट कर रहे हैं इन्फिनिक्स नोट 11 के बैक कैमरा से, जहाँ पे मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, और मज़े की चीज़ यह है कि यहाँ पे 1.6 का अपर्चर भी रखा गया है। अब यहाँ पे हम 1080p 30fps में वीडियो को शूट कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप कलर एक्यूरेसी चेक करें तो आप भी चेक कर सकते हैं। भाई मैं तो कैमरे के बैक साइड पे हूँ, सिस्टम में डाल के एग्जैक्ट पता चलेगा। यहाँ पे बैक साइड पे आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, और अगर डायनेमिक रेंज करें तो उस साइड पे सूरज है, वहाँ पे भी चल के देख लेते हैं इसके कलर्स कैसे निकल के साथ सामने आते हैं। ओवरऑल ये 50 मेगापिक्सल का जो सेंसर है और G88 की जो पोस्ट प्रोसेसिंग है ये काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टेस्ट आउट किया था। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इन्फिनिक्स नोट 11 का बैक कैमरा कैसा लग रहा है। अब हम शूट कर रहे हैं इन्फिनिक्स नोट 11 के बैक कैमरा से 2K में, और यहाँ पे भी कलर रेजोल्यूशन आपके सामने है, डिटेल्स आपके सामने है, कलर एक्यूरेसी आपके सामने है। अब मैं सिस्टम में डाल के अपना ओपिनियन ज़रूर दे दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 2K में और 1080p में आपको कोई डिफरेंस नज़र आया या नहीं आया, कुछ रिजल्ट बेहतर हुआ है या सेम वैसा ही है, ये ऐसे T2 पार्टी बनी हुई है। तो दोस्तों, अब हमने एनेबल कर लिया इन्फिनिक्स नोट 11 का बुके मोड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी 720p में वीडियो शूट हो रही है और बुके मोड एनेबल कर दिया। मैक्सिमम सपोर्ट 720p की है, 1080p में भी आप बुके मोड को एनेबल नहीं कर सकते, ना ही 2K में एनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी कलर एक्यूरेसी आपके सामने है, क्योंकि मैं मोबाइल के बैक साइड पे हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है कि भाई इसकी कलर एक्यूरेसी कैसी निकल के आएगी, लेकिन सिस्टम में डाल के पता चलेगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इसका बुके मोड कैसा लगा।
ओके दोस्तों, अब हमने कर लिया इसका अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन बैक कैमरा में। अब फ्रंट कैमरा में मैक्सिमम आप 720p पे अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन कर सकते थे, लेकिन बैक कैमरा में आप 1080p पे भी ऑन कर सकते हैं। थोड़ा सा चल के भाग के देख लेते हैं कि भाई इसका रिजल्ट कैसे आता है, वीडियो शेकी तो नहीं आती, क्या पोजीशन रहती है। अब इस वक्त हम तेज़ तेज़ चल रहे हैं और बैक साइड पे आपके कैमरा में अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन है, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। कलर एक्यूरेसी भी इस वक्त आपके सामने है और डायनामिक रेंज की अगर बात करें तो सामने वाली साइड पे हमारे सूरज है। कलर्स आप देखें नेचुरल आपको लग रहे हैं या नहीं लग रहे, और वीडियो शेकी आई है या नहीं आई, ये मैं सिस्टम में डाल के आपको अपना ओपिनियन दे दूँगा। ओके दोस्तों, ये अब हम शूट कर रहे हैं रात के वक्त 2K में 30fps पे, और मुझे यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 11 के डिस्प्ले में इसका रिजल्ट काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लाइट्स नहीं है, सामने वाली साइड पे लाइट है, बैक साइड पे तो सिंपल रोड है, लेकिन यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। इवन दो ये ग्राउंड बिल्कुल खाली है और यहाँ पे किसी किस्म की कोई लाइट नहीं है, बट आई एम रियली शॉक्ड एंड इम्प्रेस्ड कि इसका कैमरा रात के वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ये शूट कर रहे हैं हम इन्फिनिक्स नोट 11 के बैक कैमरा से और यहाँ पे भी 2K में शूट कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की चीज़ ये है कि जब हम शूट कर रहे हैं तो इसके डिस्प्ले में आ रहा है कि भाई नाइट मोड एक्टिवेट हो चुका है, और रिज़ल्ट मुझे यहाँ पे भी काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। इवन दो यहाँ पे इस ग्राउंड में इस वक्त रोशनी नहीं है, और यहाँ पे आप इन प्लांट्स के कलर चेक करें काफ़ी एक्यूरेट दिखा रहा है, और ओवरऑल मैं इसके नाइट मोड से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ। तो दोस्तों, ये था इन्फिनिक्स नोट 11 का कैमरा रिव्यू। अब मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको इन्फिनिक्स नोट 11 का कैमरा कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो क्यों लगा, और अगर अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा। अब यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इसका कैमरा काफ़ी हद तक बेहतर लगा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है और एक्सट्रीम लेवल का है, लेकिन जिस प्राइस रेंज में ये फ़ोन आया है उस प्राइस के हिसाब से इसका कैमरा जस्टिफाई करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिएगा। वीडियो के बारे में कोई सजेशन हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।